को स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ राबड़ी। ये वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और ज़रूर आप अपने घर में ट्राई कीजिए। राबड़ी बनाने के लिए मुझे लगेगा, पहले 1 लीटर दूध मैंने लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा गर्म कर लूँगी। दोस्तों, मेरा ये दूध फुल क्रीम दूध है। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी 1 चम्मच घी, इसमें मिलाऊंगी, इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। मेरा दूध देखिए दोस्तों बॉईल आ चुका है। अभी इसको धीरे धीरे हिलाना होगा। और इसमें जो मट्ठा है वो साइड का, देखिए दोस्तों जैसे मट्ठा आ रहा है मैं साइड कर दे रही हूँ इसको। अभी ऐसे ही आपको लगातार करना होगा और नीचे थोड़ा थोड़ा करके हिलाना है, क्योंकि जैसे दूध अंदर ना जम जाए। देखिए दोस्तों मेरा दूध ऐसे पोजीशन में है। जैसे जैसे मेरा मट्ठा आ रहा है मैं साइड कर दे रही हूँ और धीरे धीरे नीचे भी चलाना होगा। अभी ये दूध हाफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहले से मेरा दूध थोड़ा काम गया है। अभी ऐसे ही आपको 15 से 20 मिनट ऐसे ही आपको चलाना होगा धीरे धीरे करके। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस भी रखना होता है। देखिए दोस्तों मेरा दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी केसर। मैं पहले से थोड़ा गर्म दूध में केसर भिगो के रखे थे, उसको अभी डाल देंगे। इसमें फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही अच्छा लगेगा। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने केसर डाल दिया है। अभी थोड़ा दूध और भी घना होगा। देखिए दोस्तों मेरा दूध काफ़ी घना हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। ये मैं जो मेरा चीनी था वो 30 ग्राम्स का था। अभी इसको लगातार हिलाना होगा और थोड़ा बाद ही हो जाएगा, काफ़ी घना हो चुका है। अभी इसमें नट्स डाल दूंगी मैं। थोड़ा आलमंड, पिस्ता और कैजू नट लिया है मैंने, इसको अंदर डाल दिया है। और 2 से 4 मिनट के बाद मेरा राबड़ी तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए मेरा राबड़ी तैयार हो चुका है। मैं अभी इसको थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में डाल दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। दोस्तों मेरा 2 से 3 घंटा हो चुका है, ये मेरा रबड़ी ठंडा हो चुका है। मैंने कुछ नट्स ऊपर में गार्निश कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।